फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर. टुडे इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन. सो ये जो रिडक्शन रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द केमिस्ट्री व्यू पॉइंट और फ्रॉम द एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट. आपको बहुत तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे या मिलते हैं फ्रॉम प्लस टू से लेकर हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे नेट, गेट, जैम, किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चंस, आईआईटीज में भी ये सब क्वेश्चंस आपको देखने, इस नेम रिएक्शन से आपको क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे. तो चलिए जानते हैं इस रिएक्शन के बारे में और ट्रिक कैसे उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व किया जाए. तो उल्फ क्रिस्नर रिएक्शन क्या होता है? तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेयर वी यूज़ हाइड्रोजन एंड सम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बेस. तो होता क्या है कि जब भी उल्फ क्रिस्नर रिएक्शन आपको मिलेगा, मतलब कि हाइड्रोजन NH2, इसका नाम है हाइड्रोजन, इस फैमिली का तो आपको रिएजेंट मिलेगा, और इसके साथ कोई भी बेस, यूजुअली आपको KOH मिलेगा या ऑर्गेनिक बेस मिलेगा, जैसे सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉल, सोडियम इथॉक्साइड. तो आपको ये याद रखना है कि ये एक उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन रिएक्शन का कोई क्वेश्चन है. तो इसमें होता क्या है, इसमें आपको सिंपली याद रखना है कि दिस इज़ अ रिएक्शन वेयर वी यूजुअली थिंक अबाउट द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन डायरेक्टली टू अल्केन. आपको हर समय याद रखना है कि एक ये उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन जब भी होगा और आपको हाइड्रोजन हाइड्रेट और उसके साथ बेस दिया रहेगा, तो आपको एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करना है. और इसका जो शॉर्टकट का रास्ता है, मतलब कि कार्बोनिल कंपाउंड रहेगा, तो आपको सिंपली याद रखना है कि वो उसको आपको इसमें कन्वर्ट कर देना है. ठीक है, तो कौन सा मॉलिक्यूल इसमें रिड्यूस होता है अल्केन में? तो एल्डिहाइड और कीटोन, और कोई भी फैमिली का कंपाउंड रिड्यूस नहीं होता है. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इसका नाम उल्फ क्रिस्नर क्यों पड़ा? उल्फ क्रिस्नर, तो बेसिकली ये जो रिएक्शन उल्फ और क्रिस्नर जो है, ये एक ही साइंटिस्ट का नाम है, ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट. तो पहले ये रिएक्शन जो डिस्कवर हुआ वो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है निकोलाल क्रिस्नर, जिसने इस रिएक्शन को पहली बार खोजा था 1911 में. उसके बाद एक साल बाद ही जो दूसरा साइंटिस्ट है लुडविग उल्फ, सेम तरह के रिएक्शन को उसने डिस्कवर किया 1912 में. ठीक है, तो इन दोनों ने, मतलब कि सिमिलर टाइप ऑफ रिएजेंट को यूज़ करके एक साल के ही डिफरेंस में प्रोडक्ट को डिस्कवर किया या रिडक्शन रिएक्शन को डिस्कवर किया. तो इसीलिए दोनों को इसका क्रेडिट मिला और इस रिडक्शन रिएक्शन का नाम उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन पड़ा. बेसिकली ये थ्री डिफरेंट बल्कि मॉलिक्यूल को, मतलब कि आसानी से प्रोड्यूस किया जाता है यूजिंग उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंपाउंड. स्कोपाडोलिक एसिड, एस्पिडोस्पर्मिडीन और डाइआइडियोलाइड, ये तीन जो कंपाउंड है इसके सिंथेसिस में इस रिडक्शन रिएक्शन का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है फॉर द टोटल सिंथेसिस ऑफ दिस थ्री कंपाउंड्स. ठीक है, तो आइए जानते हैं इसका मैकेनिज्म. तो उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन में क्या होता है, जब आप हाइड्रोजन हाइड्रेट लेते हैं, यहाँ पर मैंने एक कार्बोनिल कंपाउंड का एग्जांपल लिया है, R1 आपका कुछ भी हो सकता है, एरोमेटिक मतलब एरीन्स हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कि साइक्लिक कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, R1 R2. तो जब हाइड्रोजन हाइड्रेट यूज़ होता है, तो हाइड्रोजन के पास नाइट्रोजन नाइट्रोन पे लोन पेयर है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, ये कार्बोनिल सेंटर के जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स पे अटैक करता है. तो ऑब्वियसली जब यहाँ से अटैक करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो जो है यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है. अब क्या होता है, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से एक इस पे चला जाता है, तो इस तरह का एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. अब हम लोग साथ साथ बेस यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर एग्जांपल मैंने बेस KOH लिया है. तो बेस क्या होता है, बेस वो सब्सटेंस होता है जो H+ एब्स्ट्रैक्ट करता है. तो OH डाला है तो OH अब काम करेगा, तो ये OH को प्रोटोन चाहिए. तो आप देख रहे हैं यहाँ तीन सेंटर है या तीन ग्रुप है जो H दे सकता है, एक ये है, एक ये है और एक ये है. तो ये जो OH है उस प्रोटोन को पहले लेगा जो ज़्यादा बेसिक है. तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो नाइट्रोजन 2° अमीन है उस पर नाइट्रोजन, जैसे 2° नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन वो सबसे ज़्यादा बेसिक है, सॉरी एसिडिक है. तो वो क्या करेगा, यहाँ से H+ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, अब ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट करेगा और OH बाहर निकल जाएगा, तो मेरा जो इंटरमीडिएट बना, सॉरी वो क्या बना, हाइड्राजोन बना, पहला इंटरमीडिएट हाइड्राजोन बना. फिर ये रिएक्शन तब तक, ये वो बेस का अटैक तब तक चलता रहेगा जब तक नाइट्रोजन पे जो प्रोटोन है सब रिमूव ना हो जाए. तो ये OH फिर NH2 पे अटैक करेगा, यहाँ से प्रोटोन लेके चला जाएगा. ठीक है, तो NH2 पे नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर ये इधर ट्रांसफर हुआ, ये इधर ट्रांसफर हुआ, ये नेगेटिव चार्ज इस प्रोटोन को ले लिया, तो दूसरा जो इंटरमीडिएट बना वो बनेगा डाईमाइट.
ठीक है, अभी भी देख रहे हैं नाइट्रोन पे एक प्रोटोन है, फिर ओएच का अटैक होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, देखिए आ गया, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इधर ट्रांसफर होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। अब जो लास्ट में ओएच जो यहाँ पर H2O कन्वर्ट हुआ है, ये क्या करेगा, H2O जो है इसको इस सेंटर को H2O H+ देगा और OH- फिर से निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख, तो आपसे इस ये मैकेनिज्म था, तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ उल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या क्या इंटरमीडिएट बनता है, तो पहला बनता है हाइड्राजोन और दूसरा बनता है डाइमाइड। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ उल्फ किस्नर रिडक्शन में कौन सा गैस बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलता है, तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन गैस। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अपने आपके एग्जाम्स में ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग कुछ नॉर्मल एग्जांपल्स और कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स उल्फ किस्नर रिडक्शन पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल नंबर वन, यहाँ पर मैंने एसीटोफेनॉल लिया है, ठीक है, उसमें उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएजेंट डाला है, हाइड्रोजन और सोडियम इथॉक्साइड। तो आपको क्या करना है, सिंपली मैंने बताया शॉर्टकट, कार्बोनिल कंपाउंड जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में, हाँ कि ना, देखिए। तो यहाँ पर CH2 बैठा देना है और सब स्ट्रक्चर बना, देखिए CH2 बैठा दिया और वही सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। तो एसीटोफेनॉल में अगर उल्फ किस्नर रिडक्शन करेंगे तो हमारा इथाइल बेंजीन बनेगा मेजर प्रोडक्ट। एग्जांपल नंबर टू, साइक्लोपेंटानोन हमने लिया है, साइक्लिक कीटोन लिया है, उसमें सेम डाला है, तो देखिए सोडियम इथॉक्साइड हाइड्रोजन हाइड्रेट। तो आपको क्या सोचना है, CO ये कार्बन ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए साइक्लोपेंटेन। तीसरा साइक्लोहेक्सानोन, सिंपल है, इसको CH2 में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, देखिए साइक्लोहेक्सन। तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप अगर आपको शॉर्टकट याद है, आपको ट्रिक याद है, याद मतलब कि तो आपको पूरा मैकेनिज्म याद करने का जरूरत नहीं है, सिंपली कार्बोनिल को आपको मिथाइलिन ग्रुप में याद रखना और स्ट्रक्चर सेम रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा आप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं रिएक्शन का। तो एग्जाम्पल नंबर फोर में मैंने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया है जिसका नाम है बीटा पैराफेनॉक्सी बेंजोइल प्रोपोनोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने देखिए हाइड्रोजन का एक कंपाउंड लिया है और साथ में बेस लिया है, तो आपको ये तो इस रिएक्शन को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये एक हाइड्रोजन उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं दो तरह का कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, दोनों को CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं, अल्कोहल पर टिक मारते, नहीं, आपको ये मैंने बताया है कि एल्डिहाइड कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप होगा वही सिर्फ उल्फ किस्नर रिडक्शन में रिड्यूस होता है, ठीक है। तो ये जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, और ये जो है कीटोन का है। तो आप अब सॉल्व कर ही सकते हैं, जिसका मेजर प्रोडक्ट क्या था, इसको रिड्यूस करके CH2 लिखना है, बाकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना, ये रिड्यूस नहीं होगा। तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा गामा पैराफिनॉक्सी फिनाइल ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है, याद रहेगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन आपको मैंने दिखाया, और इसको इस रिएक्शन को जो पहली बार जिस बंदे ने किया था उसका नाम था हुआंग मिनलॉन, ठीक है, इसको हुआन मिनलॉन मॉडिफिकेशन के नाम से भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर फाइव, ये एक बल्की मॉलिक्यूल है, आपको यहाँ पर दिख रहा है हाइड्रोजन है, साथ साथ में सोडियम दिया हुआ है। तो बच्चे सोचते हैं ये कौन सा रिएक्शन है, तो कहीं पढ़ाई नहीं है, एक्चुअली में ये उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन ही है। हाइड्रोजन तो कॉमन है, अनकॉमन क्या है, सोडियम। तो सोडियम क्या है, एक मेटल, और मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो बेस होता क्या है, बेस वो सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन दे सके, तो यहाँ सोडियम जो है ये एक बेस है, समझ रहे हैं। तो ये आपको आपका कॉमन सेंस यूज़ करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया और ये बेस हो गया, तो ये क्या रिएक्शन है, उल्फ किस्नर रिडक्शन। मैंने बताया था आपको NH2 के साथ किसी भी तरह का बेस दिख जाए तो वो उल्फ किस्नर रिडक्शन ही होगा। तो सिंपली हम लोग को ये कार्बोनिल को CH2 में कन्वर्ट करना था और हमको प्रोडक्ट पे टिक मारना था, देखिए याद रहेगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, ठीक है, साथ साथ एक बेस भी दिख रहा है, सोडियम सॉल्ट सिनेमिक एसिड CNK और बोरोन का कंपाउंड है। तो ये एक एल्डोल रिएक्शन है, ठीक है, ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन में आता है, ये स्टार मार्क कर लीजिए, ये हायर कॉम्पिटेटिव एग्जाम नेट गेट या IIT जैम में दिखेगा। तो ये इसका याद रखिए, ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, मैं इसका आपको ट्रिक बताता हूँ। सिंपल, अगर आपका कार्बोनिल ग्रुप है, अगर आपका हाइड्रोजन हाइड्रेट है, कोई बेस है, तो आपको क्या करना है, कार्बोनिल H2 में कन्वर्ट कर देना, CH2 में। लेकिन यदि आपका कंजुगेटेड सिस्टम है और उसमें आपका कोई भी, जैसे टोसाइलेज मैंने लिया, बेसिकली इसी में होता है कंजुगेटेड कार्बन, इसी से रिड्यूस करते हैं और बेस दिख गया। तो इसमें ट्रिक ये है कि आपको ये सोचना है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये तो CH2 में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये कंजुगेटेड है, मतलब ये डबल बॉन्ड इस कार्बोनिल ग्रुप के रेजोनेंस में है, हाँ कि ना। तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें इस ऑप्शन में टिक मार के आ जाते हैं, डबल बॉन्ड कहीं छोड़ते हैं या CH2, नहीं, ट्रिक ये है, ये गलत हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि नहीं, रिड्यूस तो सही होगा, लेकिन यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, जो यहाँ पर है,
वो माइग्रेट कर जाएगा इस पोजीशन पे और वो यहाँ पर होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर आपका कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है, कंजुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, तो उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन में CO जो है CH2 में तो कन्वर्ट होगा, साथ साथ डबल बॉन्ड माइग्रेट करेगा और उन दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ डबल बॉन्ड है, ये इसके साथ रेजोनेंस में है, तो ये तो रिड्यूस होगा CH2 में और ये माइग्रेट होकर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए माइग्रेट होकर इस पोजीशन पे इन दोनों जो ग्रुप था दोनों के बीच में आ गया, ये याद रखिएगा। और आपको बेसिकली इस तरह के लिए टोसाइलेटेड हाइड्रोजन का मेनली मैक्सिमम यूज़ होता है, तो हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, याद रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी कंजुगेटेड सिस्टम है, इसका मैं स्टार्टिंग मटेरियल बना देता हूँ। इसका स्टार्टिंग मटेरियल कुछ इस तरह से रहा होगा और उसमें हमने टोसाइलेटेड हाइड्राजीन डाला है। तो देखिए हाइड्राजोन बना, फिर ये रिड्यूस हुआ। तो ये कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है, तो ये यहाँ पर माइग्रेट होगा, ये कन्वर्ट रिड्यूस हो जाएगा CH2 में। देखिए ये डबल बॉन्ड जो यहाँ पर था माइग्रेट होके यहाँ आ गया, तो ये भी एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन का, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये भी सेम, इसका स्टार्टिंग मटेरियल कुछ इस तरह से रहा होगा, इसका कुछ इस तरह से रहा होगा। तो देखिए ये भी कंजुगेटेड सिस्टम है, तो सेम आपको इसको CH2 में कन्वर्ट करना है, इसको माइग्रेट करा देना है। तो देखिए इसका भी प्रोडक्ट कुछ इस तरह का है, तो इस तरह के क्वेश्चन को याद रखना है। अब देखिए ये एक में एक कॉम्प्लेक्स, एक तरह का स्टीरॉयड मॉलिक्यूल है, स्टीरॉयड केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एक बड़ा मॉलिक्यूल था और यहाँ पर कुछ इस तरह का दिया हुआ है, तो बच्चे हड़बड़ा जाते हैं कौन कंपाउंड एक्चुअली में हाइड्रोजन है। NH2 एक एच को हटा के यहाँ पर OSBT लगा दिया, दूसरा एच को हटा के ये लगा, तो ये एक्चुअली हाइड्रोजन फैमिली का ही कंपाउंड है, तो ये भी एक उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन है। तो सिंपली इस CO को हम लोग को CH2 में कन्वर्ट करना था। देखिए तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, अगर किसी को मतलब तो याद रहेगा अपना और कॉमन सेंस यूज़ करेगा तो इसको सॉल्व कर लेगा। नेक्स्ट आइए 10 नंबर क्वेश्चन में। तो याद रखिए अभी तक आपको पता है उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन में होता है, ठीक है, CH2 में कन्वर्ट होता है ये ग्रुप। ठीक है, अगर आपके पास कुछ इस तरह का हुआ तो इसी में होता है, तो ये CO CH2 में कन्वर्ट होगा तो ऐसा बनेगा। लेकिन अब यहाँ पर एक कैच है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं मतलब कि ट्रिक बता रहा हूँ। क्रिमेंसन रिडक्शन रिएक्शन टर्शियरी एमाइड्स में भी होता है। अगर आपके पास कोई इस तरह का एमाइड दिख रहा है, बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं इसको मतलब कार्बोनिल कीटोन नहीं समझते, इसको एमाइड समझ लेते हैं और सोचते हैं कि क्रिमेंसन रिडक्शन उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन याद रखिए एक्सेप्शनल केस है, इसमें होता है और आपको यहाँ के CO को भी रिड्यूस करना है CH2 में, याद रहेगा। तो चलिए इससे आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर 3 डिग्री एमाइड आपको दिख रहा है, बगल में है, ये बॉन्ड को गौर से देखिए, 3 डिग्री एमाइड आपको देखने को मिल रहा है, 3 डिग्री एमाइड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये तो CH2 में आसानी से चला जाएगा, साथ साथ इसको भी आपको CH2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने अभी ये कैच बताया है, ट्रिक बताया है। एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन दिया था, ब्रिज हेड पे मैंने कार्बोनिल ग्रुप कीटोन बनाया था, उसमें मैंने आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस क्वेश्चन में था, तो ये भी एक उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन रिएक्शन का रिएक्शन है, ये CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए बाकी मैं रिएजेंट केमिस्ट्री बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ भी उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन रिएजेंट यूज़ हुआ है। सिंपली यहाँ पर भी ब्रिज हेड पे ये भी देखिए टर्शियरी एमाइड है, तो ये भी बॉन्ड आपका रिड्यूस होगा और आपको याद रखना है कि अल्केन का फॉर्मेशन होगा, 3 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन होगा, ये वाला CO CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बचा क्या, एमाइड का अगर रिड्यूस कर देंगे अल्केन में तो अमीन का ही फॉर्मेशन होगा ना, 3 डिग्री अमीन। नेक्स्ट आते हैं लास्ट दो एग्जांपल। तो ये भी आपका उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन था, हाइड्रोजन दिख रहा है, बेस दिख रहा है, बेस दिख रहा है, तो ये सिंपली CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी एक एग्जांपल देखिए, कंजुगेटेड कीटोन दिख रहा है, टोसाइलेट अमीन है, तो आपको क्या सोचना है, ये एक
उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन रिएक्शन का क्वेश्चन है, और तो ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, कंजुगेटेड है तो ये माइग्रेट भी करेगा, तो देखिए ये प्रोडक्ट हुआ। तो आपको आज क्या क्या याद मैं कराता हूँ, पहला है एल्डिहाइड कीटोन का कार्बोनिल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में, अल्केन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दूसरा बताया अगर एल्डिहाइड कीटोन है कंजुगेटेड है तो आपको क्या याद रखना है, CH2 तो बनेगा, ठीक है, साथ साथ क्या होगा, माइग्रेशन होगा डबल बॉन्ड का, ठीक है, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। और तीसरा मैंने बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास 3° amide है कंटेनिंग कार्बोनिन ग्रुप है, सॉरी एच होगा, तो क्या इसमें उल्फ किसमें रिडक्शन होगा, तो होगा, याद रखिए, और आपका 3° amine का फॉर्मेशन होगा, याद रहेगा। तो ये तीन चीज़ जो तीन चीज़ों से बेसिकली क्वेश्चन आपको कोई भी एग्ज़ाम में, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम या कोई भी हायर लेवल के एग्ज़ाम में इतना ही आपको कंसेप्ट उठाकर या घुमाकर पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, खमसा मिदा।